अभी ये पूरे भी नहीं भर पाए, आधे भी नहीं हुए हैं, और बादल देख सकते हैं दो दिन से छाए हुए हैं, लेकिन बादल में बारिश नहीं हो रही है। खंड बारिश थोड़ी कहीं कहीं हुई थी, कल तो धूप भी निकली। नमस्कार, पत्रिका न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं जबलपुर से लाली पोस्टर। हम बात कर रहे हैं आज मौसम की बेरुखी पूरे शहर से ऐसी हुई है जैसे इस बार बारिश ही नहीं हुई, जबकि आसपास के जिलों में नरसिंहपुर, दमोह और कटनी की बात करें तो औसतन बारिश ज़्यादा हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन इस बार जबलपुर से ऐसी बारिश रूठी है यहाँ के छोटे छोटे ताल तलैया भी नहीं भर पाए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ, हम यहाँ आपको दिखाने जा रहे हैं कि देख ली किस तरह से यहाँ पर हम जो तलैया नॉर्मल तौर पर ताल तलैया ऊपर तक भर जाते थे, इस बार स्थिति बहुत भयावह है कि अभी ये पूरे भी नहीं भर पाए, आधे भी नहीं हुए हैं, और बादल देख सकते हैं दो दिन से छाए हुए हैं, लेकिन बादल में बारिश नहीं हो रही है। खंड बारिश थोड़ी कहीं कहीं हुई थी, कल तो धूप भी निकली थी, इससे तापमान में उमस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये गहरीकरण करने के बाद में भी ताल तलैया इतने भरे हैं कि ये अभी गर्मी शुरू होने के पहले ही सूख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये खाली पड़े हुए हैं, ये अभी यहाँ जहाँ पे ऊपर तक भर जाते थे आज की स्थिति में इतनी ख़राब स्थिति है, यहाँ पानी नहीं है। यही हाल नर्मदा का है, नर्मदा का जलस्तर भी बहुत नीचे हो चुका है, जो आज सामान्य दिनों में हमें देखने मिलता है गर्मी और ठंड के अंत तक में जिस तरह से नर्मदा की धार होती है, वहाँ आज की स्थिति में नर्मदा वैसी बह रही है, जबकि इस समय ऊपर घाट तक बहती है ऊपर। ये हम शांतिनगर के एक तलैया में हैं जो कि अमूमन ऊपर तक भर जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ तक ये उतना स्तर बढ़ जाता है, लेकिन इस बार स्तर बढ़ा नहीं है, अभी तक ये स्थिति खराब हुई है। तो बने रहिए पत्रिका के साथ, अपडेट के लिए, दिन भर के लिए अपडेट के लिए देखते रहे पत्रिका .com जबलपुर। नमस्कार।